नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। खबरों का रुख कर लेते हैं। लक्सर के खानपुर के दल्लावाला गांव में 12 अगस्त को आने वाले राजकीय कन्या महाविद्यालय का शिलान्यास करने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे। कार्यक्रम स्थल का जायजा लेने 48 घंटे पहले आज हरिद्वार जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे और हरिद्वार SSP पहुंचे। वहीं खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को भी मौके पर बुलाया गया। बता दें, खानपुर विधायक जिलाधिकारी SSP के बीच कार्यक्रम स्थल को लेकर गहन विचार विमर्श हुआ और लगभग एक घंटा विचार विमर्श होने के बाद जिलाधिकारी ने बताया कि आने वाले 12 अगस्त को राजकीय कन्या महाविद्यालय का शिलान्यास करने उत्तराखंड मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, जिसके लिए कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया गया, लेकिन इसकी रिपोर्ट को अभी फाइनल नहीं किया जा सकता है और कल शाम एक बार फिर से कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया जाएगा, उसके बाद ही फाइनल रिपोर्ट लगाई जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम होता है वो मोस्ट VIP प्रोग्राम होता है और उसके कुछ निर्धारित नॉर्म्स होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं। इसीलिए हमारे साथ SSP साहब भी हैं और क्षेत्र के माननीय विधायक जी भी हैं, पूरा प्रशासनिक अमला है, PDO के अधिकारी हैं। तो ये निर्देश दे दिए गए हैं कि जो उनके सुरक्षा संबंधित नॉर्म्स हैं, जो एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है, उसके हिसाब से ही सारे अरेंजमेंट किए जाएँ। और कल शाम को हम लोग एक बार फिर आके यहाँ देखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम है, जो टेंटेटिव, वो 12 अगस्त को दोपहर 12:30 के आसपास है और जो भी अग्रिम कोई इसमें जानकारी देनी होगी आप लोग को समय से अवगत करा दिया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार दोपहर दिल्ली रवाना हो रहे हैं और जहां उनकी कई केंद्रीय मंत्रियों से उत्तराखंड के संदर्भ में मुलाकात होगी। बता दें, मुख्यमंत्री का कहना है कि दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से उत्तराखंड के संदर्भ में कई सारे मुद्दों पर बात होनी है। वहीं उत्तराखंड की कई विकास योजनाएं अगले कुछ दिनों में स्वीकृत होते हुए नजर आएंगी। देखिए, मुझे वहाँ पर जो सरकारी कामकाज है उसके तहत केंद्रीय मंत्रियों से भेंट करनी है, जिसमें हमारे प्रदेश की कुछ योजनाएं जो जल्दी ही लागू होनी है उन्हीं के लिए मैं निवेदन करने वहां जा रहा हूं कि जिससे जल्दी से जल्दी उन योजनाओं के लिए यहां पर धन आवंटन हो जाए, जो प्रक्रिया चल रही है वो तेजी से हो जाए और जल्दी से जल्दी वो धरातल पर उतर जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवस्थानम को लेकर तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी पर कहा है कि जो लोग नाराज हैं उनसे बातचीत की जा रही है। इस मामले में हाई पावर कमेटी का गठन किया जा चुका है और सभी पक्षों से राय शुमारी लेने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा। फिलहाल के लिए देवस्थानम बोर्ड को रोका गया है और कोई भी नए कार्य इसके अंतर्गत फिलहाल नहीं होंगे। तो बता दें, तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी पर CM पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया है और कहा है कि नाराज लोगों से बातचीत की जा रही है। देखिए, हमारा बिल्कुल कॉन्क्रीट जवाब है। हमने कहा है कि देवस्थानम बोर्ड पर हम जो है सारे लोगों के विचार सुनकर, हक हकूक धारी हैं, रावल हैं, पंडे हैं, पुरोहित हैं, जो भी उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं या जिनके क्षेत्र में जो चारधाम देवस्थानम की उसमें आते हैं, परिधि में आते हैं, उन सबकी बात सुनेंगे। उनकी बात सुनने के बाद जो है हमने हाई पावर कमेटी बना दी है और हाई पावर कमेटी उस पर काम करना शुरू कर देगी। सबकी बात सुनने के बाद जिनके जो ग्रीवांसेज हैं, जिनको जो परेशानियां अपनी बताएंगे, उसका हम हल करेंगे। तब तक जो है बोर्ड का काम जो है हम यथावत रख रहे हैं, रोक रहे हैं उसको। नैनीताल के हल्द्वानी नगर निगम सभाकर में प्रदेश की महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री श्रीमती रेखा आर्य की तरफ से मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट का वितरण किया गया। कार्यक्रम में श्रीमती आर्य की तरफ से 61 लाभार्थियों को महालक्ष्मी किट देकर सम्मानित किया गया। लाभार्थियों को संबोधित करते हुए आर्य ने कहा कि हमें बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए दोहरी मानसिकता को खत्म करना होगा। उन्होंने कहा, प्रकृति और संविधान ने समानता का संदेश दिया है, इसीलिए बेटियों को प्रोत्साहित करना हमारा दायित्व है। मंत्री श्रीमती आर्य ने कहा कि प्रदेश और जिले के लैंगिक सुधार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देश का 8वां राज्य है जहां 1000 बालकों पर बालिकाओं का अनुपात 960 है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसव के दौरान महिलाओं को काफी परेशानी होती है और सरकार ने इस दूरी को कम किया है। वहीं रौतेला ने कहा कि हमें दोहरी मानसिकता के साथ ही सामाजिक सोच बदलनी होगी। हमें बेटियों को अच्छी शिक्षा के साथ ही दूसरे क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता के लिए काम करने होंगे। वैष्णवी किट के रूप में हम लोगों ने शुरुआत करी थी 2017 या 2018 के आसपास में। बहुत छोटी सी किट के रूप में हमने वैष्णवी किट प्रारंभ करी और ये सफरनामा जब तय होते होते पे कि जिनकी दो लड़कियां होंगी
उनको हम इसके लाभार्थी बनाएंगे। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने हल्द्वानी में सामूहिक रूप से विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही थी, जिसे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने खारिज कर दिया है। बता दें, मदन कौशिक का कहना है कि मुख्यमंत्री ही विधानसभा के लिए पार्टी का चेहरा होते हैं और इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि प्रदेश प्रभारी ने किस संदर्भ में बयान दिया, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है, लेकिन उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही पार्टी का चेहरा है। स्वाभाविक तौर पर जब मुख्यमंत्री हमारे हैं तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव होगा और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव होता है तो उस प्रक्रिया को उन्हीं के नेतृत्व में माना जाता है और हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। चुनाव के बाद हम सब मिल बैठकर इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। आज पुष्कर सिंह धामी हमारे नेता हैं, इनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, एक युवा चेहरा हमारे पास है। उत्तराखंड के प्रदेश के पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने विधानसभा भवन में पेयजल विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बरसाती जल स्रोत की तरफ से टैंक के जरिए जल संग्रह कर पेयजल के लिए उपयोग किया जाए। इस संबंध में उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत चलाई जाने वाली योजना के अतिरिक्त ग्राम पंचायत के जरिए पेयजल योजना का उपयोग करने का निर्देश भी दिया। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत ग्राम पंचायत के जरिए उन क्षेत्रों को हित कर लिया जाए जहां पेयजल की समस्या है या पानी का स्रोत नहीं है। पंचायत के जरिए इस कार्य के लिए लगभग 300 करोड़ रुपए के बजट का उपयोग भी किया जाएगा। साथ ही पहाड़ी क्षेत्र में बहुत से स्थान हैं जहां जल स्रोत नहीं है या पेयजल की समस्या है। ऐसे क्षेत्रों में बरसाती जल स्रोत का उपयोग 2.5 लाख लीटर क्षमता वाले टैंक में संग्रह कर साफ सफाई के बाद बरसात के बाद भी पेयजल के लिए उपयोग किया जाएगा। बता दें कि बरसाती जल स्रोत का उपयोग परंपरागत रूप में भी किया जाता है और इसकी लागत भी बहुत कम आएगी। ऐसे क्षेत्रों को भी चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है जहां पेयजल की मात्रा कम है। बैठक में कहा गया कि जल जीवन मिशन की योजनाओं से संबंधित डीपीआर अगस्त महीने तक पूरा कर लिया जाएगा और टेंडर कराकर सितंबर से काम शुरू कर दिया जाएगा। जल स्रोत का पानी के लिए टैंक का निर्माण, बरसात में जो जल स्रोत है हमारे 3-4 महीने तक रहते हैं बरसात में, जब बिजली गिरती है तो पानी का स्रोत एकदम बढ़ जाता है। वो मतलब बरसात में 3 महीने तो पानी आना ही है, उसमें कभी कभी तो 4 महीने तक भी रहता है। तो उस पानी को हम चाहते हैं कि सीधे जहाँ से स्रोत है उससे सीधे पाइप द्वारा वो टैंक में पहुँचाने का काम, साफ पानी पाइप द्वारा जाएगा। एक तो ये काम, एक तो बरसात जल संग्रह अलग है, वो रिचार्ज वाला ये अलग है, वो पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है जो बरसात का पानी है। 300 करोड़ रुपए का योजना है आपका। 300 करोड़ रुपया अभी हम तो विभाग का तो कर ही रहे हैं, विभाग का पैसा हमारे पास है, वो काम शुरू कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, जल जीवन मिशन के अंदर का भी ले रहे हैं उसको। उसके अलावा जो पंचायतों में जो पैसा है इसके लिए जा रहा है, पंचायतों में पेयजल के लिए जो बरसात जल संग्रह जो पैसा जा रहा है उस पैसे को हम इसमें उपयोग करने का ये हमारे इस पर विचार कर रहे हैं। दूसरा, अभी जो आपने कहा कि 1 लाख कनेक्शन की बात करें, इस समय प्रदेश में करीब 6,80,000 के करीब कनेक्शन है हमारे। उन सारे जो अपने रिपोर्ट ले रखी सारे कनेक्शनों में इसमें पानी चल रहा है, तो कम मात्रा में चल रहा है, पानी झूठ चल रहा है कम। जहाँ तक 1 लाख कनेक्शन आपने कहा, उन 1 लाख कनेक्शन हमने भी देखा कि उनमें पानी झूठ चल रहा है लेकिन कम चल रहा है। कुछ क्षेत्र में ऐसे भी है, वास्तव में ज़्यादा नहीं है, उसमें करीब आपके होंगे 200-400 कनेक्शन होंगे, उस कनेक्शन में पानी बिल्कुल नहीं है, क्यों स्रोत ही नहीं है तो पानी कहाँ से आएगा उसके आसपास, उसके लिए योजना बना रहे हैं। पिछड़ा आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर कल्पना सैनी ने नैनीताल में अधिकारियों के साथ बैठक में हिस्सा लेते हुए कहा कि गरीब तबके की सहायता करना और उनके अधिकार दिलाना आयोग का कर्तव्य है, इसीलिए अधिकारी संवेदनशील होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। सभी विभागीय अधिकारी अपने विभाग में बैकलॉग रिक्तियां जल्द शासन को भेजना सुनिश्चित करें ताकि बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके। ये निर्देश अध्यक्ष अन्य पिछड़ा आयोग डॉक्टर कल्पना सैनी ने नैनीताल क्लब में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान दिए। डॉक्टर सैनी ने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से संचालित कल्याणकारी योजनाओं का विस्तृत प्रचार प्रसार कर जनता को जागरूक किया जाए ताकि वो संचालित योजनाओं का पूरा लाभ ले सके। साथ ही आयोग अध्यक्षता डॉक्टर सैनी ने कोरोना काल में अधिकारियों की तरफ से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने पर सभी को बधाई दी, साथ ही कोविड वैक्सीनेशन को गति देने के लिए भी निर्देश दिए।
जन मानस यहाँ के उसमें भी एक बड़ा समाज ओबीसी का है, तो ओबीसी आयोग इसके लिए चिंतित था कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस समाज के लोगों को वंचित किया जाएगा। उसके लिए समीक्षा की, भविष्य में तीसरी लहर के रूप को लेकर जानकारी ली, जाति प्रमाण पत्र को लेकर के अगर प्रशासन के सामने कोई परेशानी आ रही है वो भी हमें बताए, उसको भी हम समाधान का प्रयास करेंगे। और जो जनमानस को यहाँ की समस्याएं आ रही हैं उनसे विभागों को अवगत कराया तो उन्होंने भी ये आश्वासन दिया कि उस समस्या को भविष्य में दूर किया जाएगा। बैकलॉग के लिए देखिए जो है आयोग ने संज्ञान लिया है और सभी विभागों से आज भी ये कहा गया है कि अपने यहाँ से कितने पद हैं जो सीधी भर्ती के थे और आज वो रिक्त हैं या उन पर अन्य तरह की कोई नियुक्ति है, उससे जो है अति शीघ्र आयोग को अवगत कराया जाए। देवप्रयाग में बारिश लोगों पर कहर बनकर टूट रही है और भूस्खलन से कई मार्गों पर आवाजाही खतरनाक बनी हुई है। दरअसल ऋषिकेश श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग NH-58 पर लगातार भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं हाईवे के टोटा घाटी पहाड़ी से लगातार भूस्खलन हो रहा है और हल्की सी बारिश में बोल्डर गिर रहे हैं। ऐसी ही भयावह तस्वीर टोटा घाटी से सामने आई है जहाँ हाईवे पर देखते ही देखते लगातार बोल्डर गिर रहे हैं। इन दिनों पहाड़ों पर सफर करना खतरनाक बना हुआ है। दरअसल भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं और कई मार्गों पर लगातार भूस्खलन हो रहा है। खासतौर पर ऋषिकेश श्रीनगर मार्ग पर आए दिन पहाड़ियां दरक रही हैं जहां चमधार में प्रशासन ने मार्ग पर यातायात शुरू कर दिया है। वहीं तोता घाटी में बोल्डर गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं बता दें सुबह 7 बजे से NH-58 पूरी तरह से बाधित है और इसी के साथ NH के अधिकारी मार्ग खोलने के लिए NH-58 पर मौजूद रहे। वहीं देवप्रयाग पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। मोदी जी, आपने हमारे उत्तराखंड को क्या समझा है, गुजरात, या आपने सोचा है कि पूरे देश को गुजरात बना देंगे? तो इस काम को बंद करिए। जिस प्रकार से इस वक्त उत्तराखंड के पहाड़ दरक रहे हैं उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि चार धाम रूट बनाने के लिए जिस वक्त आपने कहा था कि ये आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसके बाद से आप केवल अपने मुख्यमंत्रियों को बदल रहे हैं, गुलाम मानसिकता के आपके जो लोग हैं जो कार्यवाही कर नहीं सकते। लेकिन अब आप ये बताइए कि इन पहाड़ों का क्या करें हम जो दरक रहे हैं? किसको दिया आपने ये 13,000 करोड़ रुपये का टेंडर? और जिनको भी दिया वो सब लेट करके पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स को दे रहे हैं जिनको एक्सपीरियंस तक नहीं है। और पहाड़ों के साथ जो आप खिलवाड़ कर रहे हैं वो अंग्रेजों ने भी हिम्मत नहीं करी थी करने की। विस्फोटक का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये संवेदनशील पहाड़ियां हैं। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी ये माना था कि ज़्यादा चौड़े रोड नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपको अपने अहम के लिए हर ओर केवल त्राही मचानी है, क्योंकि आपने तो लोगों को बिजी करना है। नबुन बैरियर जहाँ से आप उत्तरकाशी को एंटर करते हैं वहाँ पे पूरा का पूरा पहाड़ नीचे आ गया। पहाड़ कमज़ोर हो रहे हैं क्योंकि उनके अंदर टनल बनाए जा रहे हैं और ये पता नहीं कि इंजीनियरिंग होती क्या है, क्योंकि ये तो फेक हार्डवर्क में विश्वास करते हैं। तो मोदी जी, आप इस तरह के अपने काम जो हैं उनको बंद करेंगे तो बेहतर हो। आज सुबह तोता घाटी में मलबा आने की वजह से रास्ते को बंद करना पड़ा, इसके लिए ट्रैफिक को मलेथा से डाइवर्ट करा गया सो दैट कोई अनहोनी ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, क्योंकि एक दो हफ्ते पहले भी वहाँ पर दुर्घटना घटी थी। तो जब तक पूरा रास्ता कार्यदायी संस्था द्वारा क्लियर नहीं कर दिया जाता और यात्रियों के लिए सेफ नहीं हो जाता, उसको बंद रखा गया है। इसके लिए नीचे से आपको चंबा और टिहरी होते हुए ही लोगों को भेजा जा रहा है। जो रास्ते में लोग थे उनको गजा के माध्यम से निकाला गया, बाकी रेगुलर ट्रैफिक है उसको मलेथा से। जहां एक तरफ लोग चंद पैसों के लालच में लगातार वृक्षों का कटान कर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो वहीं बाजपुर की एक संस्था की तरफ से प्रकृति को हरा भरा बनाने के लिए वृक्षारोपण करने का काम किया जा रहा है, जिसके चलते संस्था के पदाधिकारियों ने हजारों वृक्ष लगाने का काम किया है जो लोगों के लिए मिसाल बन रही है। बता दें कि कंक्रीट के जंगल को हरा भरा बनाने के लिए संकल्प लेकर 8 सालों से बाजपुर में हरित बाजपुर फलित बाजपुर संस्था काम कर रही है, जिसमें संस्था के सदस्यों की तरफ से क्षेत्र को हरा भरा बनाने के लिए लगातार वृक्षारोपण का काम किया जा रहा है। यही वजह है कि संस्था की तरफ से लगाए गए वृक्ष आज लोगों को छाया और फल देने का काम कर रहे हैं। इसी के चलते सोमवार को संस्था के अध्यक्ष सरदार मेजर सिंह संधु ने 2,000 वृक्षों को लगाने का संकल्प लिया, जिसके चलते संस्था के अध्यक्ष सरदार मेजर सिंह ने वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत
एसडीएम विवेक प्रकाश और सीओ वंदना वर्मा के साथ भौना रोड से शुरू की, जहां अधिकारियों और समाज सेवियों ने वृक्षारोपण किया। और इस दौरान एसडीएम विवेक प्रकाश और सीओ वंदना वर्मा ने संस्था की तरफ से किए जा रहे कार्यों की सराहना की और क्षेत्र के लोगों से प्रकृति को हरा भरा बनाने में योगदान देने की अपील भी की। वहीं संस्था अध्यक्ष सरदार मेजर सिंह संधू ने भी अन्य लोगों से अपने बाजपुर को हरित फलित बनाने के लिए आगे आने का आह्वान भी किया। बाकी शहर के सम्मानित जागरूक लोग जो है आज काफ़ी लोग जो है वो आगे आए, पहले भी पेड़ लगाए लोगों ने है और आज जो है पेड़ लगाने का अभियान चलाया जा रहा है। 2000 पेड़ यहाँ पे जो है मंगाए गए हैं, विभिन्न क्षेत्रों में और बाकी शहर इलाकों में जो है लगाए जाएंगे, इससे पूरा क्षेत्र जो है हरा भरा रहे। और इस समय सावन भी चल रहा है, सावन महीना चल रहा है, तो उसमें भी अच्छा रहेगा, बारिश का मौसम है, अच्छा पेड़ होगा और उसमें अच्छा एक हरियाली आएगी शहर में। ये मेरी अपील रहेगी कि लोग इसको पेड़ लगाएं और उसको जो लगाए पेड़ लगाएंगे उनको सुरक्षा भी करें और ध्यान रखें। शिकायतें भी मिल रही हैं सर कि बहुत से पेड़ लगाए गए हैं लोग द्वारा जो है लोगों के द्वारा, लेकिन उसे लोगों ने ध्यान नहीं दे रहे हैं, काट दिया, उन्होंने तोड़ दिया, लोगों ने नष्ट कराया है। उस पर भी जो है वो ध्यान देना है कि लोग पेड़ लगाएं और सचेत रखें। उसको में हरित बाजपुर फलित बाजपुर की संस्था है जिनके द्वारा ये सड़क किनारे सब जगह वृक्षों का वृक्ष लगाए गए हैं, जिससे थोड़ा हरियाली भी बनी रहे और प्रकृति को भी हम लोग अपना जिस प्रकार से हम लोग संरक्षण कर सकते हैं उस प्रकार से किया जा रहा है। तो आज एसडीएम साहब और मेरे द्वारा और साथ ही संस्था के गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा हम लोगों ने ये वृक्षारोपण किया है। एक चीज़ बस मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि जो लोग वृक्षारोपण लगाने के बाद जो लोग इसको नुकसान पहुँचा रहे हैं, ऐसे लोगों से हमारी अपील है कि ऐसे वृक्षों को आप नुकसान ना पहुंचाएं, बल्कि उसके साफ़ सफाई और बाद में उसमें पानी देने का काम करें, ना कि उसको नुकसान पहुंचाएं। मेरा तो इतना ही कहना है कि हमारे द्वारा नहीं, हम बहुत लोग हैं कि जो हरा भरा बनाना चाहते हैं, परंतु आगे बढ़ के कोई नहीं लगता था। तो इसमें आज से 8 साल पहले हमने एक कार्यक्रम शुरू किया कि बाजपुर जो एक कंक्रीट का जंगल बन चुका था उसको हरा भरा बनाया जाए, उस निश्चय को लेके बाजपुर शहर में पौधों का रोपण किया गया। उसके बाद में बाजपुर से लगी हुई 10-10 किलोमीटर रोडें जो हैं उनको भी हरा भरा किया जाए, और ताकि रोडें तो हरी भरी रहें। और जैसे आपने देखा होगा कि पीछे कोरोना काल में ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई थी, जब हमारे पेड़ ही नहीं होंगे, इन सारी चीज़ों को देखते हुए बहुत बढ़ चढ़ कर पेड़ों के लगाने का एक हमारी संस्था है, हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हैं, बाजपुर बाज़ार से हमारे दुकानदार भाई, काश्तकार भाई सभी जुड़े हैं, सभी ने लेकर निर्णय किया कि बाजपुर को हरा भरा बनाना है, ताकि एक छाया भी मिल सके, हरे भरे फूल मिल सके और यहाँ का वातावरण शुद्ध हो सके, बढ़िया एक ऑक्सीजन मिल सके, इसको बनाने का एक लक्ष्य लेके चले हैं। और अब पेड़ों को देख के मन में बहुत ज़्यादा उत्साह होता है और आगे फिर लगाने का मन करता है, इसी करके हम आगे भी पेड़ लगाते रहेंगे। पौड़ी में कांग्रेस के नव निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल इन दिनों अपने विधानसभा भ्रमण पर हैं। विधानसभा भ्रमण के दौरान गणेश गोदियाल का विकास खंड पाबो में स्थानीय जनता, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की तरफ से जोरदार स्वागत किया गया। बता दें गणेश गोदियाल ने कहा कि जिस तरह से लगातार आम जन कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ते जा रहे हैं, ये साफ संकेत है कि आने वाले 7 मई 2022 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत के साथ और मजबूत सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता जी जान से 2022 विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हैं। उन्होंने बताया कि जिस तरह से रुझान पूरे प्रदेश से सामने आ रहे हैं, ये साफ संकेत हैं कि 2022 विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश में मजबूत सरकार कांग्रेस की बनेगी, जो जनहित में काम भी करेगी। कांग्रेस के पक्ष में जो जबरदस्त रुझान है आप स्वयं देख सकते हैं। ये ठीक है कि ये मेरा गृह क्षेत्र है, लेकिन मैं जहाँ भी पूरे प्रदेश में जहाँ भी जिस ओर भी जा रहा हूँ, हर तरफ इसी प्रकार के रुझान सामने आ रहे हैं और इसी का हमें पूरा विश्वास है। हम आत्मविश्वास से लबरेज हैं, हमारे कार्यकर्ता आत्मविश्वास से लबरेज हैं कि 2022 में उत्तराखंड में भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार स्थापित होगी। पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर कल्पना सैनी के नैनीताल के नगरी में पहुंचने पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। डॉक्टर कल्पना सैनी ने कहा कि आयोग अन्य पिछड़े वर्ग के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ ही उनके साथियों के निस्तारण करने के लिए हमेशा तैयार है। डॉक्टर सैनी ने कहा कि आयोग अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को उनके अधिकारों और रक्षा उपायों से वंचित किए जाने पर उनकी तरफ से की गई शिकायतों की जाँच कर उन्हें उनके अधिकार दिलाता है। उन्होंने संवाद के दौरान मौजूद लोगों से समस्याओं के सुझाव मांगे, ताकि अधिकारियों के साथ बैठक में मिली समस्याओं का समाधान भी किया जा सके।
नगर पालिका अध्यक्ष ने साल 2003 के बनरवात भूस्खलन को आजाद मैदान पर ग्रहण बताया है, जिसको लेकर नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि रामलीला मैदान को लेकर पिछले 2.5 सालों से मेरी तरफ से जिला प्रशासन और राज्य सरकार के समक्ष कई बार बैठक भी की जा चुकी है। तो वहीं आजाद मैदान और कूड़े की समस्या को लेकर उत्तरकाशी नगर के बुद्धिजीवी वरिष्ठ नागरिकों के साथ बैठक बुलाकर उनसे मैदान के सौंदर्यकरण को लेकर उनकी राय भी मांगी गई है। मैं नगर की जनता से निवेदन करता हूँ कि वो अपना वाहन नगर में लाने से वर्जित रखें, जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो। बाजार आते हुए वाहनों को केदार घाट पार्किंग, जोशीयाड़ा पार्किंग, अंबेडकर नगर, जियो गैरेट वाला और नगर के दूसरे ओर भी उचित पार्किंग की व्यवस्था है, जहां पर स्थानीय लोग अपने वाहनों को खड़ा कर सामान को लोड अनलोड भी करा सकते हैं। सिडकुल स्थित अकम्स कंपनी की तरफ से आयोजित वैक्सीनेशन कैंप में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ती हुई नजर आईं। आपको बता दें कि सिडकुल हरिद्वार में स्थित कंपनियों ने कर्मचारियों को वैक्सीनेशन के किए जाने के लिए अकम्स कंपनी की तरफ से सिडकुल हरिद्वार में एक वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया था, जिसके तहत हजारों कर्मचारियों को हर दिन वैक्सीन लगाई जा रही है। आपको बता दें कि एक और संक्रमण से बचाव को लेकर वैक्सीनेशन कैंप में वैक्सीन लगाई जा रही है, तो दूसरी तरफ वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे कर्मचारियों की भीड़ संक्रमण को फैलाने का काम कर रही है, जिस पर ना तो वैक्सीनेशन कैंप आयोजक और ना ही प्रशासन किसी तरह का कोई ध्यान दे रहा है, जिसके चलते खुलेआम सभी नियमों की धज्जियां उड़ती नजर आ रही है। तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई भी है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी लोगों ने नहीं किया। ऐसे में ये लोग कोरोना के बढ़ते प्रकोप को दावत देते हुए नजर आ रहे हैं। आज की जो डोज का वैक्सीनेशन कराया जा रहा है, किसकी देख रेख? सर, वैक्सीनेशन की मतलब डोजेज हैं 700 डोजेज आ रखी है। इसके से मतलब हमने 211 मतलब हमने लगा दी एंड 487 अभी स्टॉक बाकी है। भीड़ आपने देखी होगी कितनी भीड़ बची है, और मतलब जितना हमसे हो पा रहा है उतना अपना एफर्ट डाल रहे हैं, काफी मतलब प्रेफर कर रहे हैं कि हम करेंगे, और मतलब हमारी शिफ्ट भी हाँ मतलब हमारी संडे को भी शिफ्ट लगी हुई है, काम कर रहे हैं, पूरा योगदान है हमारा इस चीज में। टोल प्लाजा भाद्राबाद की एक काली करतूत सामने आई है। वैसे तो ये टोल प्लाजा हमेशा से ही सुर्खियों में बना रहता है, लेकिन आज टोल प्लाजा पर एक अनोखी बात सुनने और देखने के लिए मिली है। बता दें कि बात भाद्राबाद टोल पर रखी गई अवैध मशीन से जुड़ी है। दरअसल टोल प्लाजा पार करने वाले कुछ लोगों ने शिकायत की है कि टोल प्लाजा को पार करने के लिए टोल टैक्स देना जरूरी होता है, तो ये टैक्स कस्टमर फास्टैग से ऑनलाइन पे करता है या फिर कैश से पे कर एक पर्ची प्राप्त करता है, जिसके बाद वो अपनी गाड़ी को टोल के पार कर लेता है। पर्ची पर टाइम, गाड़ी नंबर, टोल प्लाजा का नाम और स्थान लिखा होता है, लेकिन यहाँ खेल कुछ और है। दरअसल भाद्रवाह टोल पर सब उल्टा हो रहा है। टोल पर पर्ची तो है, लेकिन उस पर कोई नाम पता लिखा ही नहीं है। शिकायतकर्ताओं को टोल प्लाजा फर्जी पर्ची दे रहा है, जबकि फास्टैग से टोल पार करने पर व्यक्ति के मोबाइल पर SMS पहुंच जाता है, जिससे पता चल जाता है कि आपकी तरफ से ये टोल प्लाजा टैक्स जमा करके पार किया गया है। लेकिन अवैध तरीके से रखी गई एक दूसरी मशीन जो भाद्रवाह टोल प्लाजा से का गुजरने वाले लोगों की फर्जी पर्ची बनाकर देती है, जिस पर कहीं भी कोई भी टोल प्लाजा का पता और नाम नहीं लिखा होता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि भाद्रवाह के टोल प्लाजा पर फर्जीवाड़ा कर सरकार को करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है। टोल प्लाजा पर टोल पार करने वाले युवकों ने कहा है कि प्रशासन इस पर टोल पर बनाई जा रही पर्ची मशीनों की जांच करे। वैसे तो यह टोल प्लाजा जब से शुरू हुआ है तब से ही सुर्खियों में बना हुआ है। ऋषिकेश में रायवाला में लगे टीकाकरण शिविर में 18 प्लस से ज्यादा उम्र वर्ग के 560 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। टीकाकरण को लेकर काफी संख्या में लोग शिविर में पहुंचे और इस दौरान लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए भी दिखाई दिए। वहीं बेकाबू भीड़ को काबू करने के लिए रायवाला पुलिस ने मोर्चा भी संभाला और इस दौरान पुलिस कर्मियों और टीका लगवाने पहुंचे लोगों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शांतिपूर्ण ढंग से 607 नागरिकों को कोरोना वैक्सीन लगाई। साथ ही रायवाला के स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर अमित बहुगुणा ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि टीकाकरण केंद्र पर आने वाले सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगाएं और टीकाकरण अभियान को सफल बनाने में अपना सहयोग भी दें। उन्होंने कहा कि हर गांव के हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाई जाएगी, किसी भी व्यक्ति को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।
हमारे यहाँ आज 500 का टीकाकरण का टारगेट था, जिसमें से हमने अभी तक 400 के करीब लगभग टीकाकरण कर चुके हैं और यहाँ पे बहुत लोगों ने टीकाकरण करवाने आज केंद्र में आए हैं। सभी प्रॉपर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है। मैं सभी ग्रामवासियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे पास वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में है, कि कृपया टीकाकरण केंद्र में आएँ, प्रॉपर मास्क पहनकर आएँ और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए टीकाकरण लगवाएं। धन्यवाद। अपना उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।